Hi, good morning all. So this is the day two of this Udaipur trip and पहले मेरा प्लान था कि बाइक से जाने का, बट मैंने बाइक को डिच किया. उतने में मेरे को ऑटो मिल गया, तो ऑटो ज़्यादा बेटर है. अभी हम जा रहे हैं जग मंदिर एंड सिटी पैलेस. इसके लिए एंट्री फीस है जो 30 रुपीज़ है, एंड बोटिंग का और सिटी पैलेस की एंट्री का अलग से है. तो देखते हैं कितना मिलेगा. बाकी कल मैंने पिछोला लेक तो देख ही लिया था, उसके साथ साथ गंगौर घाट भी चेकआउट कर लिया था, और एक छोटा सा म्यूजियम था वो भी देखा था. आज और कल थोड़े मेन डे रहेंगे. भैया जग मंदिर पिता चलो चलते हैं. आती आएगी यही है सिटी पैलेस, दिखाता हूँ आपको. सो ये जो आप देख रहे हो, नॉट श्योर, डोंट कोट मी, आई थिंक यही सिटी पैलेस है. ऐसा सुंदर बना रखा है, मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह और वो सब तो ऐसे लगे हुए जैसे आर्मी एरिया में आ गया हूँ. लकीली मौसम बहुत अच्छा है, हवा चल रही है प्यारी, सो नो बिग डील. अगर आपको दिख रहे मधुमक्खी के छत्ते भाई साहब कितने सारे. दिस इज द ताज, उसके पीछे द लीला, एंड सामने आप जो देख रहे हैं वो है जग मंदिर. 500 रुपये की राइड होती है यहाँ पे. आपको 20-25 मिनट राइड करवाएंगे, मतलब घुमाएंगे इस झील में, एंड देन उतना ही आपको, मतलब अराउंड जितना आप चाहो उतना जग मंदिर में रुक सकते हो. बट यार ताज ये यहाँ की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है आई गेस, मैंने कल बताया था. एंड वो जो पिछली वाली बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई थी, दैट वॉज सिटी पैलेस. चलो 11 बजे अभी आएगी, हर आधे घंटे में आई गेस निकलती है, एंड दिस इज द प्रोमाइसिस. तो वेट करना है, अभी निकलेंगे हम थोड़ी देर में. चलो जग मंदिर पैलेस, दिस इज विद इन द लेक. अभी जो आपने व्यूज देखे थे दैट वाज ऑफ बोट राइड्स. आप यहाँ पे आ सकते हो, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं यहाँ पे. एंड अर्ली टाइम में जो राजा वगैरह थे वो इसको अपना एज ए समर वेकेशन के लिए यूज़ करते थे. हाँ वैसे सही जगह, मेरे को भूख भी लगी तो वी नीड समथिंग यार, अच्छी जगह है. चलो देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, देन देखते हैं. यहाँ पे आपको अगर प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है, फिर उससे करनी है, तो यू विल नीड टू गेट परमिट और समथिंग. मैंने नहीं ली, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ फ़ोन से, तो काम चला लेना. आई थिंक दिस यूज टू बी द मेन वो जहाँ पे लोग रुकते थे, या फिर महल टाइप का. पढ़ना हो तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा.
मंदिर। यहाँ पे इन्होंने अब इसको होटल में भी कन्वर्ट किया हुआ, सूट्स वगैरह बनाए हुए हैं, सामने रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, स्पा वगैरह सारी फैसिलिटीज़ हैं, एंड या रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। मेन तो यही है जो मैंने आपको दिखाया, इसमें ही है थोड़ा बहुत, बाकी तो और कुछ नहीं है, पागल बना दिया। दे आर चार्जिंग 500 rupees फॉर दिस थिंग, नाइस। बट द थिंग इज, उस टाइम के जो आर्किटेक्ट थे, मतलब क्या सही थे, उन्होंने इतनी बड़ी लेक बनाई और उसके बीच में इतना बड़ा महल बना दिया, मानना तो पड़ेगा बॉस। चलो यहाँ पे कुछ खा के फिर मिलते हैं आपको सिटी पैलेस के टूर पे, चलिए। दिस इज हाउ द जेटी लुक्स एंड या टाइम टू गो। वर्कशॉप जहाँ पे जो आपके आर्म्स थे, कवच थे, वो रिपेयर होते थे, इस तरह के औजार यूज होते थे, एंड ये थे हथियार उस टाइम के। थर्ड फ्लोर ऑफ सिटी पैलेस एंड वाइस थर्ड फ्लोर पर पेड़ लगाए हुए इन्होंने, इनक्रेडिबल। ये कबूतर वगैरह लेने के लिए देखो, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम माय साइड, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको बिकॉज मुझे खुद आइडिया नहीं है इनके बारे में कुछ भी। ये किस लिए होता है, ये दूसरी बार देख रहा हूँ मैं।
व्यू फ्रॉम सिटी पैलेस पूरी उदयपुर सिटी का। पीछे आई थिंक अरावली हिल्स है ये, एंड भाई सब पूरा दिख रहा है। और इस गेट के नीचे दीवार है जहाँ पे हाथी भी लड़े हुए, दीवार देख रहे हैं आप, दीवार के आजू बाजू हाथी खड़े हुए लड़े, दीवार के आजू बाजू हाथी खड़े हुए लड़े, दीवार देख रहे। चलो आगे देखते हैं। सिटी पैलेस भाई साहब कितना बड़ा है, थक गया यार घूम घूम के। एंड ये सारा आपको टाइमलेस में दिखाऊंगा मैं, बिकॉज मेरे को खुद को नहीं सुन पाया, मैं देख क्या रहा था। हो गया भाई, अब नहीं होगा, थक गया घूम घूम के। अबे इतना बड़ा राजा, मतलब राजा का अलग से रानी का अलग से, राजा का जाता होगा सपोज करो, सर रानी के पास जाना है उसकी तो हालत खराब हो जाती होगी। नाइस, चलो धूप हो गया यार, फिर से गर्मी होगी बहुत ज़्यादा, अब पानी पीते हैं थोड़ा सा और निकलते हैं यहाँ से। ऑटो को बुलाते हैं, चलते हैं। इस महल की एक ही बात अच्छी है कि भाई साहब आप कहीं से भी देख लो, मतलब मेरे को अगर इतना पता होता मैं आपको बताता, तो मैंने थोड़ा बहुत सुना हुआ, मैं बता देता हूँ कि आपको सनराइज़ दिखता था, सनसेट दिखता था, प्लस आपके सामने पूरी की पूरी पिचोला लेक है, तो बेस्ट व्यूज़ आते थे। एंड कोई कोई हम जो कमरे थे वो तो इतने ठंडे थे, मस्त वाले, मतलब अल्टीमेट वाली हवा चल रही थी चारों तरफ से। तो आर्किटेक्ट तो हमारा जो पहले का था, मतलब नेक्स्ट लेवल का था, हर चीज़ का ध्यान रखा गया था। बट ये साले जब से मुगल आए ना, उन्होंने ऐसी तैसी कर दी। चलो अब चलते नई डेस्टिनेशन की तरफ, थक गया यार बहुत गर्मी हो रखी है। इधर चालू कर दो, मिलते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा जो कि मुझे लगती है कि बोट राइड यहाँ से मत करिएगा, मैंने गलती कर दी। 800-500 रुपये ले रहा है यार वो, नो गुड रीज़न। भले आपको वहाँ पे जाके वो उस महल में छोड़ देगा, जैक महल में, वहाँ पर लिटरली कुछ नहीं है करने को। एक रेस्टोरेंट है, अगर आप बहुत अमीर हो तो आप जाके खा सकते हो, ठीक है। हजरत आइल से 300 रुपीज़ में इसकी एंट्री है, वो ज़्यादा अच्छा है, एटलीस्ट आपको कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। बट जग महल तो इस वेस्ट ऑफ मनी, तो देख लो। बोट राइड वैसे भी आपको हो जाएगी और जगह से, करनी माता का मंदिर है वो आप शाम को प्लान कर सकते हो, जैसे कि मेरा प्लान है होपफुली, तो वहाँ से सनसेट वगैरह देखने को मिलता है। रोप वे भी है वहाँ पे अभी, वहाँ पे बोटिंग हो जाती है, तो प्लान करके आओ। मित्र बताओ, मैं तो हमेशा ऐसे आ जाता हूँ, मेरी बात और है। आप ऑटो को बोलते हैं, मिलते हैं। सो आई वेलकम इन कृष्णा दाल बाटी, ये यहाँ की वन ऑफ द फेमस शॉप है, ऑथेंटिक राजस्थानी खाना खाने के लिए अच्छी जगह है। एंड 350 रुपीज़ की अनलिमिटेड प्लेट है,
तो ट्राई करते हैं कैसा है। एंड प्लेस एकदम फुल चल रही है भाई साहब, भारी पड़ी है। देखा फर्स्ट फ्लोर पे है एंड चारों तरफ से भरी पड़ी है। वेटिंग फॉर माय टर्न, खा के बताते हैं। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा जो एक आंख में तीर लगने के बाद भी दुश्मनों पर टूट पड़ा, जो एक हाथ और एक पैर कट जाने के बाद भी युद्ध के लिए निकल पड़ा, शरीर पर 80 घावों के बावजूद उसकी तलवार आग बरसा रही थी, जिसकी वीरता के बारे में दुश्मन को भी लिखना पड़ा कि वो अपनी तलवार और वीरता के बल पर बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था। वास्तव में उसका राज्य चित्तौड़ था और उसका शौर्य उसे अधिक स्थानों का राजा बना गया। उसकी सेना में 100,000 सवार थे, उसके साथ 7 राव और 104 छोटे सरदार थे जो उसके वफादार थे। अगर उसके उत्तराधिकारी में से कोई एक भी उसके जैसा होता तो शायद हिंदुस्तान में मुगल पैर नहीं जमा पाते। चित्तौड़ के इस वीर योद्धा का नाम था श्री महाराणा सांगा। आइए जानते हैं राणा सांगा का शौर्य ऋषिवम कहानीकार में। सन यू आर एट दिस प्लेस, इसका नाम क्या मैं भूल गया, नवलखा महल में। ये बर्ड पार्क है, यहाँ पे कोई उसके अंदर है। इससे पहले आपने जो फोटो देखी, मैं क्लिप्स देखी, उसमें बेसिकली जीवन का वो बताया गया सार कि कैसे बच्चे का जीवन आगे बढ़ता है। ओह माय गॉड, थक गए बहुत ज़्यादा, बट यार बहुत मस्त वाला ग्रीनरी वाला पार्क है। यहाँ पे कुछ करने को ऐसा है नहीं, बट अभी दोपहर हो रही थी तो आई थॉट यहीं पे जाके थोड़ा टहल लेते हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे करणी माता मंदिर, थोड़ा और लेट वहाँ पे सनसेट वगैरह देखेंगे। चलो मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो ये बर्ड पार्क में आया था एंड अगर आपको देख रहे हो तो ये ईगल्स दो ही हैं बट हैं तो सही। अब देखते हैं यहाँ पे और कौन कौन से हैं। अली खान भी और या वो अली खान तो कहाँ जा रहा है भाई। मखाओ, दैट वॉज मखाओ। एंड यहाँ पे तो कुछ नहीं रख रहा भाई, ये खाली है नहीं है। सल्फर क्रेस्टिक को काट दो वो रहा। कितना सुंदर है। बर्ड पार्क में अंदर की तरफ आओगे तो एक छोटा सा जू टाइप का बर्ड्स के लिए, बहुत प्यारी प्यारी बर्ड्स हैं यहाँ, बहुत प्यारी प्यारी बर्ड्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरट्स, मकाओ, कॉकटेल लाइक। एंड अगर आपको पीछे दिख रही है आप ये ट्रेन भी ले सकते हो घूमने के लिए, बट अभी आई थिंक बंद पड़ी है। एंड फ़ोन की बैटरी होगी ऑलमोस्ट डेड तो मैं इसको चार्जिंग पर लगा रहा हूँ। बाकी ये चीज़ आपको खुदा के एक्सपीरियंस करने वालों में से
तो जब आप आइएगा तो दिस इज़ रिकमेंडेड, आप आओ यहाँ पे, बहुत प्यारी प्यारी बर्ड्स हैं। मिलते हैं आपको सीधे करनी माता के पास, ठीक है? चलो, व्यू ऑफ द पिचोला लेक, यहाँ पे भी बोट राइड होती है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यहीं पे आके आप बोट राइड करा, आपका वर्ल्ड फेमस यहाँ पे वो भी गए थे। हाँ, बहुत गर्मी है यार। अब यहाँ से सीधे करनी माता मंदिर जाएंगे, तो अब यहाँ पर आधा एक घंटा बैठता है आराम से, दैन चलेंगे क्योंकि 3:30 ही हो रहे हैं एंड 6 बजे के आसपास, 6:30 के आसपास वहाँ पर सनसेट का होगा फिर। तो अभी है हमारे पास अच्छे खासे 1.5-2 घंटे, चलते हैं थोड़ी सी देर में, पे आधा एक घंटा बैठ के मस्त कर रही है। चलो मिलते हैं आपको करनी माता के यहाँ पर। चलो रेड करनी माता के मंदिर, इस पर जाने के लिए रोपवे होता है, जो नॉर्मल वाला होता है उसका चार्ज है 197 107 रुपीज़ पर हेड। 2-3 तरीके के होते हैं, अगर आप ग्रुप में हो तो एक 200-300 रुपये का पर्सनल कैबिन होता है, बट भाई हम अकेले हैं तो कैबिन की क्या ज़रूरत है। बाकी मेरे पीछे यहाँ पे माता का मंदिर है, रोपवे से जाएंगे एंड वेटिंग काफ़ी लंबा है, मेरा 301 चल रहा है और जो नंबर अभी स्टार्ट हुए वो 290X से स्टार्ट हुआ है। ऊपर से सनसेट का भी पॉइंट है, देखते हैं अगर हो पाएगा तो वो भी कवर करेंगे एंड दिस विल बी द लास्ट प्लेस आज के लिए, फिर अब कल निकलेंगे। चलो मिलते हैं रोपवे के अंदर आपको। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द करनी माता मंदिर, क्या मस्त लग रहा है। सिंगल अनरेडी है, बना लो वापसी फोटो मिल जाएगा, आओ बनाओ वापसी फोटो मिल जाएगा भैया, 150 का फोटो आएगा इतना बड़ा। ये रही पूरी सिटी, आखिरी बनेगा एंड पिचोला लेक यही है, कहाँ गई है। चलो ऊपर मिलते हैं, सामने मंदिर है एंड यहाँ पे एक ये व्यू पॉइंट है, आई सॉ 360 डिग्री व्यूज है यहाँ से तो चारों तरफ के। सामने रेलवे स्टेशन भी दिख रहा है, ये रहा, रात में मज़ा आएगा यहाँ से देखने का, देखते हैं रुकने का कोशिश करते हैं। नाइस, करनी माता का मंदिर और इसके साइड में जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था वो है 360 व्यूज लाइक ऐसे, इसके साइड में रेस्टोरेंट यहाँ पे सामने रेस्टोरेंट है ये, तो चलते हैं थोड़ी देर में बैठेंगे वहाँ पे एंड सनसेट का वेट करेंगे। अभी 1.5 घंटे के आसपास लगेगा, देखते हैं। बट यहाँ पे हवा लग नहीं रहा, क्या हमको हवा जारी होगी क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, कर लिया हमने, आज का दिन ख़त्म हो गया ऑफिशियली, अब बस सनसेट का वेट करते हैं यहाँ पर बैठे बैठे। अच्छा रहा मैं सुबह नहा लिया था, अदरवाइज दर्शन नहीं करता फिर मैं।
वहाँ पे बड़ी प्यारी हवा चल रही थी, तो वहाँ पे मैं एक डेढ़ घंटा ऐसे ही बैठा रहा। चलो मिलते हैं सनसेट के टाइम पे, GoPro से रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, हो पाएगा तो। आज का दिन ख़त्म हुआ हमारा, मैंने ट्राई किया था टाइम लैप्स लेने का सनसेट का, देखूंगा कैसा आया, मेरे को नहीं पता, देखा नहीं मैंने। गैराज बहुत चले, अब जाके पहले नहाऊंगा, देन कुछ खाऊंगा और सो जाऊंगा। कल का दिन भी बहुत लंबा होने वाला है, कल के शायद दो ब्लॉग बनेंगे, उदयपुर का और एक, मैं एक ही बनाऊंगा, वापस जाते हुए क्या दिखाऊंगा आपको, ब्लॉग के पास जाओगे। तो इसी नोट पर आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मैंने इसमें रोड वगैरह नहीं दिखाई, मैंने सिर्फ जंप दिखाया यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, बिकॉज ऑटो में था कुछ था नहीं दिखाने को, इसलिए यहाँ पर ख़त्म भी करते हैं इस ब्लॉग को। थैंक यू, टाटा बाय बाय, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब कराओ जितना हो सके उतना देखो, थक गया यार बहुत ज़्यादा, मैं एक ही जगह पर दो ढाई घंटे बैठा रहा टाइम लैप्स के चक्कर में, आई होप अच्छा आ गया वो, बट GoPro से कितना ही अच्छा आ जाएगा, आई हैव माई लिमिटेशंस यू नो। चलो टाटा बाय बाय।